जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की कहानी सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय ना कभी गणेश जी की कथा सुनी थी, ना कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं थी। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई, तब उसे लेने के लिए यम लोक से यमदूत आए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और ग्यारस माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहाँ प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी, ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, ग्यारस माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। बूढ़ी माँ ने गणेश जी की कहानी कहना शुरू किया। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था। वह शुरू से ही गणेश जी का परम भक्त था। वह अपने पूरे मन से गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वह अपनी माँ से झगड़ा करके और यह कहकर घर से निकल गया कि माँ, आज मैं गणेश जी से मिलकर ही आऊंगा। एक समय बाद वह घर से काफी दूर पहुंच गया। वहाँ पास में ही एक घना जंगल था। वह लड़का वहाँ जाकर गणेश जी को जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन उसे गणेश जी कहीं नहीं मिले। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और वह जंगल में अकेला हो गया। उधर दूसरी ओर भगवान श्री गणेश जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये लड़का मेरे नाम से अपना घर छोड़कर आया है, अगर मैंने इसे सही सलामत घर नहीं भेजा तो इसे जंगल के जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया और उस बच्चे के पास पहुंचे और बोले, अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है इस घने जंगल में? तब वह बच्चा बोला, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ बाबा। भगवान श्री गणेश बोले, बेटा, मैं ही गणेश हूँ। तब लड़के ने तुरंत उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, आप गणेश जी नहीं हो सकते, आप तो एक ब्राह्मण हो। भगवान श्री गणेश अपने वास्तविक रूप में उस बच्चे के सामने प्रकट हो गए। लड़का गणेश जी को देखकर खुश हो गया, उनको प्रणाम किया। भगवान श्री गणेश कहते हैं, बालक, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले, लेकिन एक ही बार में मांग लेना। लड़का बोला, मन मांगू या धन मांगू या 9 मंजिला महल मांगू या फिर 2 सोने के हाथी मांगू या हीरे मोती जवाहरात या उनको पहनने वाली गुलाब से फूल सी बहू मांगू। तब गणेश जी कहते हैं, बेटा, तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, जा, तेरी यह इच्छा पूरी हो। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लड़का खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, ऐसे ही उसने देखा उसके घर की जगह तो महल खड़ा है, और जब अंदर जाकर देखा तो एक छोटी सी सुंदर सी लड़की भी है और पूरे घर में धन ही धन हो गया है। तब वह जाके अपनी माँ से कहने लगा, देखा माँ, मैं गणेश जी से इतना सारा धन लेकर आया हूँ। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, जैसे उस छोटे से बच्चे पर आपने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और आपके सभी प्रिय भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस तरह बूढ़ी माँ ने 2 साल के अंदर 4 ग्यारस पूरा कर लिया। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने
नित नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गयी। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो बैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ बैकुंठ लोक में ले जाया गया। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले एकादशी व्रत में भगवान गणेश जी की कहानी सुनने वाले और कहने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय।